अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं। बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। यहाँ पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट लेकर जानेंगे कि आज कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, कम्युनिटी बाजार में कहां पर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है, कहां पर कमाई के मौके देखने को मिलेंगे और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह ही यहां पर सबसे पहले नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो सोने चांदी में देख रहे हैं कि उठापटक का दौर जारी है, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, डॉलर की मंदी तेजी हुई और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो गोल्ड सिल्वर है काफ़ी लंबे समय से उठापटक के साथ हाई वॉलेटिलिटी के साथ ट्रेड करते नज़र आ रहे हैं। कल के कारोबारी सत्र में हमने सोने चांदी में हल्की सी रिकवरी बनते हुए देखी थी निचले स्तरों से, वहीं आज देख रहे हैं कि फिर से एक बार सोने चांदी की जो कीमतें हैं उनमें निचला स्तर देखने को मिला है कल के मुकाबले। रिकवरी से आज फिर से एक डाउनफॉल देखने को मिला है। आपको बता दूं कि इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर गोल्ड इस वक्त आधे फीसदी की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है $1924 के आसपास, और जो चांदी है वो 1.5% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रही है $24.60 के आसपास। देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में नरमी के साथ ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अगर बात करें घरेलू वायदा बाजार की तो MCX पर देख रहे हैं कि हम गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही गिरावट देखने को मिली है। गोल्ड 51,000 के ऊपर है लेकिन लाल निशान पर ट्रेड कर रहा है, और जो चांदी है सिल्वर का मई वायदा देख रहे हैं 66,600 के ऊपर ट्रेड कर रही है 1.25% की गिरावट के साथ। देखने की विदेशों में जो नरमी बनी है सोने चांदी की कीमतों में उसका असर कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मार्केट यानी कि घरेलू वायदा पर भी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। वार्तालाप जितनी भी हो रही है, पीस टॉक्स हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं अलग अलग देशों की, अलग अलग देशों के अलग अलग नेताओं की मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, इसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर हाई वॉलेटिलिटी के साथ ट्रेड करते नज़र आ रहे हैं। और जानकारों का यही कहना है कि अभी सोने चांदी जो है बाज़ार ऐसे ही हाई वॉलेटिलिटी के साथ ट्रेड करता नज़र आ सकता है। लेकिन इस दौरान सोने चांदी में मुनाफा कैसे कमाया जाए ये जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट MCV पर। जी शुक्रिया। रूपा जी देख रहे हैं कि आज गोल्ड और सिल्वर कल की रिकवरी के बाद आज निचले स्तर पर ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, एक हल्की सी नरमी देखने को मिली है, आपको क्या लगता है यहाँ से कीमतें कल की तरह ही रिकवर होती नजर आएंगी या फिर जो यहाँ से गिरावट है वो और गहराएगी, और इस बीच ऐसी स्थिति में सोने चांदी में कमाई के मौके कहाँ पर हैं? देखिए फिलहाल सोने और चांदी की कीमतों की अगर बात की जाए तो काफी सीमित दायरे में पिछले कुछ दिनों से कारोबार देखने को मिल रहा है, और अभी भी मार्केट जो है काफी रेंज बाउंड है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, अगर करेक्शन आती है यहाँ से तो बाइंग करके चला जा सकता है। एक्सपेक्टेड है कि बाजार एक बार 1880 से लेकर $1940 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। कल हमने अच्छी रैली आते हुए देखी सोने के अंदर, लेकिन आज फिर से बाजार ऊपरी तरह से फिसलते हुए डोमेस्टिक मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। देखा जाए तो 200-250 पॉइंटों की गिरावट आज घरेलू बाजार में देखने को मिल रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि नीचे में 51,400 से लेकर 51,300 तक बाजार आज इंट्राडे में लुढ़क सकते हैं। वहीं अभी देखा जाए तो अगर 50,000 के आसपास मार्केट आता है तो वहां पर एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग करके चला जा सकता है, लेकिन आज इंट्राडे में 51,200 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। जी, इसी के साथ रूपा जी देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, चाहे डोमेस्टिक मार्केट की बात करें या फिर इंटरनेशनल मार्केट की, क्रूड ऑयल में जोरदार गिरावट है। WTI 5.5% की गिरावट के साथ है $101 के आसपास, और ब्रेंट क्रूड ऑयल 4.5% की गिरावट के साथ $106 पर। रूपा जी देख रहे हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में भी जो कच्चा तेल है 8,000 के नीचे लुढ़क चुका है। रूपा जी खबर निकल के सामने आई है कि जो अमेरिका है वो 1 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से ऑयल रिजर्व से अपने जो मार्केट में स्टॉक उतारेगा, तो आपको क्या लगता है क्या ये उसी का ही नतीजा है कि आज कच्चे तेल की जो मार्केट है वो इतने नीचे जा रखी है, और क्या आने वाले समय में कच्चा तेल अगर जैसे अब आगे ट्रेड करेगा तो ऐसे ही नरमी के साथ करेगा या फिर अभी भी कच्चे तेल में तेजी देखने को मिल जाएगी? देखिए जहां तक कच्चे तेल की बात है, ऊपरी स्तरों से एक बार कच्चा तेल
लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ से अभी जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो अभी गिरावट का ही है। और अब यहाँ पर देखिए $90 तक का नीचे का ट्रेंड एक्सपेक्टेड है कि जा सकता है। आज देखिए एक अच्छी खासी ऊपरी स्तरों से गिरावट आई है, 6% के आसपास कच्चा तेल लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर प्रेशर जो है वो कंटिन्यूशन में रह सकता है। और आज इंट्राडे की बात करें डोमेस्टिक मार्केट में 7600 से लेकर 7620 तक आज इंट्राडे में गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि 5% की गिरावट आज हम घरेलू बाजारों में भी देख रहे हैं। यानी कि अब कहीं ना कहीं डिमांड का फैक्टर फिर से अहम रोल प्ले करता नजर आ रहा है, जिसके चलते कच्चा तेल जबरदस्त गिरावट दिखा रहा है। और अगर $100 के नीचे लुढ़क जाता है तो यहाँ से $90 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। जी सरूपा जी, बात करें अगर बेस मेटल्स की तो देख रहे हैं कि डॉलर में उठापटक और दूसरा चाइना में लॉकडाउन के चलते हमने इसका इंपैक्ट बेस मेटल्स पर भी पड़ता हुआ देखा है, डिमांड में भी कमी देखी गई है और कीमतों में भी। ऐसे में आपको क्या लगता है इस मंदी वाले बाजार में, इस नरमी वाले बाजार में कमाई कैसे की जा सकती है बेस मेटल्स के अंदर? देखिए बेस मेटल में अभी प्रेशर जो है वो देखने को मिल रहा है और सभी कमोडिटीज ऊपरी स्तरों से फिसलती हुई नजर आई है, चाहे वो कॉपर हो या फिर जिंक हो, सब में आज गिरावट दर्ज की जा रही है। लेकिन जिंक आप देखिए ओवरऑल देखा जाए तो अपने जो इसका ट्रेंड रहा है काफी पॉजिटिव रहा है और 342 पर अभी भी कारोबार करता दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेश एंट्री तो काफी रिस्की होगा क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफी ओवरबोर्ड जोन में जा चुका है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। जब अच्छी खासी गिरावट यहाँ से बन जाएगी उसके बाद जो है एक बार फिर से मौका मिल सकता है खरीदारी का। लेकिन आज फिलहाल इंट्राडे में थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी अभी भी तेजी की रहनी चाहिए और बाइंग की अपॉर्चुनिटी हर निचले स्तर पर देखनी चाहिए। और एल्यूमिनियम हम एक्सपेक्ट करें कि आने वाले दिनों में 300 के पार जा सकता है, जो कि अभी करंट लेवल पर 284 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो यानी कि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, छोटमुट गिरावट आ सकती है, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से आप भी क्वाली करके बेस मेटल में चल सकते हैं। जी रूपा जी, टॉपिक्स के देना चाहेंगी आप आज इंट्राडे में नॉन एग्री कम्युनिटीज में? देखिए आज इंट्राडे में सोना चांदी गिरावट की तरफ और कच्चे तेल में भी आज क्वाली करके चला जा सकता है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की।